नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। ये नहीं कहा जा रहा कि सारे चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे होते। अजमल खान, मोहम्मद असफाक खान या मोहम्मद हाफिज खान, इन आतंकवादियों के नाम में खान ही क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी खड़ा होकर कहता है कि ये सारे लॉयर लोग चोर होते हैं, तो कोई भी रैंडम लॉयर खड़ा होकर इस आदमी के खिलाफ डिफेमेशन फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये लॉयर प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये स्टेटमेंट मेरे अगेंस्ट बोली गई। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी खड़ा होकर कहे कि ये सारे मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, तो कोई भी रैंडम मुस्लिम खड़ा होकर इस व्यक्ति के खिलाफ डिफेमेशन फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुस्लिम प्रूफ नहीं कर पाएगा कि ये स्टेटमेंट मेरे खिलाफ बोली गई। इसी तरह का फैसला नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी कोर्ट ने दिया होता, एक्शन होता, वो कुछ इस तरह का होता। इतनी खुशी मुझे आज तक। एक पुरानी कहावत है कि इंसान अपने मामले में वकील और दूसरे के मामले में जज होता है। अब आप सोचोगे कि मैं आपसे ये बात क्यों बोल रहा हूँ, जरा इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए। ललित मोदी, अच्छा एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इसलिए मैंने कहा था दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है उसे बड़े केयरफुली सुनो और थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करके देखो। अगर मैं कहता हूँ कि ये सारी गाड़ियों के हॉर्न की वजह से नॉइस पोल्यूशन फैलता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह रहा हूँ कि सारे पोल्यूशन के सोर्सेस ये गाड़ियों के हॉर्न ही है? ऑब्वियसली नहीं। सिमिलरली, अगर राहुल गांधी ने कहा कि सारे चोर मोदी होते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारे मोदी चोर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई सेंस है इस बात? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी ने तो ये भी नहीं कहा। बहुत से इंग्लिश अखबारों ने राहुल गांधी की स्पीच को गलत ट्रांसलेट किया, लेकिन बीबीसी एक ऐसे न्यूज पोर्टल्स में से था जिसने ट्रांसलेशन को सही किया। सही ट्रांसलेशन थी ऑल दीज थीव्स आर मोदी। बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पर। इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। ये नहीं कहा जा रहा कि सारे चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे होते हैं। बड़ी एक्सप्लिसिटली तीन लोगों के नाम लिए गए हैं जिनका मोदी सरनेम है, और उसके बाद एक पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करी गई है, अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि ढूंढने पर जितने भी निकलेंगे वो सब मोदी निकले। तो चलो अब मैं ध्रुव राठी या राहुल गांधी के जो सपोर्टर्स हैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जस्ट इमेजिन कि बीजेपी का एक बड़ा लीडर्स अपनी पब्लिक स्पीच में आतंकवाद पर बात करते हुए कहे अजमल खान, मोहम्मद असफाक खान या मोहम्मद हाफिज खान, इन आतंकवादियों के नाम में खान ही क्यों है? और अगर आप और ध्यान से देखोगे तो और खान निकल आएंगे। अब अगर मान लीजिए कि सच में ऐसा हुआ होता तो ध्रुव राठी या फिर जो राहुल गांधी के सपोर्टर्स हैं उनका क्या रिएक्शन होता? लगा लेंगे, आग लगा लेंगे, आग लगा लेंगे। अब तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। तुम्हारा अगला कमेंट तो और भी कमाल का था। लीगल स्कॉलर गौतम भाटिया ने ट्वीट करके कहा कि एक बड़ी बेसिक लीगल प्रोपोजिशन है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट एक जेनेरिक क्लास ऑफ लोगों को रेफर करती है, डिफेमेशन का केस स्टैंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी खड़ा होकर कहता है कि ये सारे लॉयर लोग चोर होते हैं, तो कोई भी रैंडम लॉयर खड़ा होकर इस आदमी के खिलाफ डिफेमेशन फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये लॉयर प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये स्टेटमेंट मेरे अगेंस्ट बोली गई है एज एन इंडिविजुअल। सारे लॉयर्स को लेकर बोली गई है, किसी एक लॉयर को पिन पॉइंट नहीं किया गया, तो डिफेमेशन नहीं होना चाहिए। गौतम भाटिया का कहना है कि ये बड़ी अजीब चीज है कि जो कोर्ट के जज थे वो इस बेसिक चीज से कैसे अनअवेयर हो सकते हैं, और ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। अच्छा चलो अब मैं तुम्हारी कॉमन सेंस देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी खड़ा होकर कहे कि ये सारे मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, तो कोई भी रैंडम मुस्लिम खड़ा होकर इस व्यक्ति के खिलाफ डिफेमेशन फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुस्लिम प्रूफ नहीं कर पाएगा कि ये स्टेटमेंट मेरे खिलाफ बोली गई है एज एन इंडिविजुअल। ये बात सभी मुस्लिम को लेकर बोली गई है, किसी एक स्पेसिफिक मुस्लिम को पिन पॉइंट नहीं किया गया। अरे वाह, क्या ही कमाल के आर्ग्यूमेंट है। काश तुमने ऐसे आर्ग्यूमेंट तब भी दिए होते जब मोदी ने ये बोला था। अब यार ड्राइवर, और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। इस बयान पर कितना हंगामा हुआ था, यू नो वेरी वेल। और जब नुपुर शर्मा ने बोला था कि मोहम्मद साहब ने 54 साल की उम्र में एक 6 साल की बच्ची आयशा के साथ शादी की। मैं यहाँ खड़े होकर किसी के धर्म को गाली नहीं दे रही हूँ, लेकिन सप्रेशन है। 52 साल का बुड्ढा 6 साल की बच्ची से शादी करेगा, ये सप्रेशन है। मैं इसके आगे और तब तुम्हारा इस बात पर क्या रिएक्शन था ये भी देख लेते हैं। मेरी राय में चीज क्लियरली हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी के धर्म के सेंटिमेंट। और बाय द वे, ये बात बिल्कुल सही है कि मोहम्मद साहब ने 54 साल की उम्र में एक 6 साल की बच्ची से शादी की। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये आपको जो इस्लामिक टेक्स्ट है, हदीत है, या फिर इंटरनेट पर भर भर के सोर्स ऐसे आपको मिल जाएंगे जहाँ पर ये बात साफ साफ लिखी है। और हाँ, ये बात भी सही है कि जो नुपुर का जो बात कहने का ढंग था, तरीका था, वो सही नहीं था, उसके साथ मैं एग्री नहीं करता, लेकिन फैक्चुअल वो बात बिल्कुल करेक्ट थी। देखो, तुम्हारी चिंता इस बात को लेकर नहीं है कि इसकी फैक्चुअल डिटेल्स क्या हैं, तुम्हारी असली चिंता इस बात को लेकर है कि इसमें इस बार एक बड़ा पॉलिटिकल चेहरा फंसा है। अब तक जो इस कानून में जो चेहरे फंसे थे वो तुलनात्मक रूप से छोटे थे, और आपको ये केवल मुद्दा अब बड़ा लग रहा है जब कोई इसमें एक बड़ा चेहरा फंसा है।
देखो तुम्हारा बस नहीं चलता, अदरवाइज तुम ये भी बोल सकते हो कि जिस जज ने इस फैसले को सुनाया है वो एक गोदी जज है। और अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी का कहना है कि वो डिफेमेशन केस फाइल करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने इन्हें रामायण कैरेक्टर शूटनाखा से फेर दिया। और केवल मामला फाइल होने से कुछ नहीं होता, कोर्ट का भी उस पर वर्डिक्ट चाहिए। और देखो यहाँ एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि मैं करूँ तो रासलीला और तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। देखिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर कुछ इसी तरह का फैसला नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी कोर्ट ने दिया होता तो जो पूरी विपक्ष की टोन है वो कैसी होती, ध्रुव राठी का वीडियो उस बारे में कैसा होता वो आप सबको पता है, और उसके जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। देखिए अगर कुछ लोगों को सीरियसली ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी या जो बीजेपी के थिंक टैंक हैं वो सच में नहीं चाहते कि राहुल गांधी 2024 में इलेक्शन लड़े, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी जो पॉलिटिकल सोच है वो अभी उतनी विकसित नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से ये मुद्दा आगे बढ़ रहा है उसमें बीजेपी को नुकसान होने वाला है और उसमें जो विनर होगी वो कांग्रेस होगी, क्योंकि इस तरह का जो एग्जांपल है हम इतिहास में इंदिरा गांधी के साथ देख सकते हैं। तो बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ये मुद्दा आगे बढ़े, और पूरी विपक्ष और कांग्रेस हमेशा चाहेगी कि ये मुद्दा आगे बढ़े क्योंकि मोदी या फिर जो बीजेपी है उसको एक बैकफुट पर लाया जा सके। और देखिए अगर मेरा इस पर व्यक्तिगत राय पूछी जाए तो मैं तो फिर भी जो कोर्ट का जो फैसला है उसके साथ पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि कानून के सामने चाहे देश का भिखारी हो चाहे देश का प्रधानमंत्री सभी बराबर होने चाहिए, और कोर्ट ने जो एक माइलस्टोन सेट किया है वो बिल्कुल ठीक है। अगर कोर्ट इस तरह का हार्ड एक माइलस्टोन सेट नहीं करेगी तो जो देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो कानून का मजाक बनाना शुरू कर देंगे, और जितनी मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इस बारे में है मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ कि कोई भी कोर्ट इस मुद्दे को आगे बढ़ाना नहीं चाहेगी या फिर बीजेपी खुद नहीं चाहेगी कि ये मुद्दा इस तरह से आगे बढ़े। तो आने वाले जो फैसले हैं आप देख लेना, इसमें राहुल गांधी को बिल्कुल प्योर तरह से क्लीन चिट मिल जाएगी। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, मैं आपसे नीचे कमेंट सेक्शन में मिलता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाए, अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।